वेलकम बैक दोस्तों, मैं टेक्निकल सोनू लेके आया हूँ नई वीडियो जिसमें आज हम बात करेंगे क्रैंकशाफ्ट की। क्रैंकशाफ्ट इंटरनल कम्बशन इंजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्रैंकशाफ्ट का प्रयोग पावर को मोशन में बदलने के लिए किया जाता है। पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रॉड और कनेक्टिंग रॉड क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्ट होती है और इसके साथ फ्लाईव्हील रिंग के साथ गेयरबॉक्स की कनेक्टिविटी होती है और गेयरबॉक्स से आगे प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू डिफरेंशियल में पावर जाती है और डिफरेंशियल से आगे टायरों तक ये पावर ट्रांसमिशन होती है। क्रैंकशाफ्ट के मटेरियल की अगर बात करें तो क्रैंकशाफ्ट आमतौर पर कास्ट आयरन या डक्टाइल स्टील की बनाई जाती थी, लेकिन अब वेनेडियम माइक्रो ऑयल्ड स्टील की प्रयोग की जा रही है। क्रैंकशाफ्ट के कलपुर्जों की बात करें तो सबसे पहले क्रैंकपिन एक इंजन का यांत्रिक वह भाग है जो कनेक्टिंग रॉड को क्रैंकशाफ्ट से मजबूती के साथ जोड़ के रखता है। और इसके साथ इसका क्रैंकशाफ्ट का दूसरा मुख्य पार्ट है मेन जर्नल्स इंजन ब्लॉक्स से जोड़ा जाता है। यह बेयरिंग क्रैंकशाफ्ट को पकड़ के रखते हैं। इसे इंजन ब्लॉक के अंदर घुमाने के लिए स्थित किया जाता है। यह बेयरिंग प्लेन बेयरिंग या जनरल बेयरिंग की तरह कार्य करते हैं। इसके बाद तीसरा क्रैंकशाफ्ट का मुख्य भाग है क्रैंक वेब क्रैंकशाफ्ट को मेन बेयरिंग जनरल के साथ जोड़ के रखता है। काउंटर वेट्स चौथा महत्वपूर्ण भाग है क्रैंकशाफ्ट का, जो विपरीत बल लगा के रखता है और क्रैंकशाफ्ट में संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है। यह क्रैंक वेब पर लगे होते हैं। ऑयल पैसेज के माध्यम से इंजन ऑयल मेन जनरल से अंत बड़े जनरल तक तेल को भेजता है। आमतौर पर क्रैंक वेब पर एक होल रहता है। जब क्रैंकपिन ऊपर की स्थिति में होती है तब फायर बल के साथ कनेक्टिंग रॉड को नीचे की तरफ धकेलता है तो यह तेल को मेन बेयरिंग के बीच में पहुंचाता है। ऑयल पैसेज का यह मुख्य कार्य है। फ्लाईव्हील माउंटिंग फ्लेंज क्रैंकशाफ्ट का मुख्य हिस्सा है जिसमें सामान्य तौर पर फ्लाईव्हील रिंग गियर जुड़ जाता है। क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।